देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 दिया है लिमिट 0 to π log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो मैंने बताया आपको कि जब लिमिट 0 to a दी गई हो तो हम प्रॉपर्टी 4 का यूज करेंगे जो होती है 0 to a एफ एक्स डी इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ हमने प्रॉपर्टी यूज की i = 0 to π log 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स। log 1 प्लस कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा इसलिए ये हो गया माइनस कॉस एक्स और डी एक्स। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो सेकेंड स्टेप में हम ऐड करते हैं दोनों को ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 2i = हो जाएगा 0 to π log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स और ब्रैकेट ये क्लोज करना पड़ेगा यहाँ लगेगा dx। तो 2i = हो जाएगा लिमिट 0 to π ये log m प्लस log n है, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी होती है log m इंटू n। तो यहाँ हम करेंगे log m की जगह 1 प्लस cos x और n की जगह है 1 माइनस cos x और ब्रैकेट क्लोज यहाँ आएगा dx। तो 2i = 0 to π log a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी यूज करेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा ये cos स्क्वायर x dx। तो 2i = हो जाएगा यहाँ लिख देते हैं ये हो गया 0 to π और log 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है sin स्क्वायर x और ये dx ये log m टू पावर n है तो फॉर्मूला होता है n log m 2 को आगे ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 लिमिट 0 to π log sin x और ये dx। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो i = आएगा आपका 0 to π log sin x dx log sin x और dx। तो ये आ गया 0 to π log sin x dx। अभी हमने इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी 4 का ज़्यादा यूज किया, एक प्रॉपर्टी 6 भी होती है जिसमें लिमिट हाफ हो जाती है और यहाँ पर 2 आ जाता है। तो यूजिंग प्रॉपर्टी 6 बाई यूजिंग प्रॉपर्टी P6 तो P6 का यूज करेंगे तो i = हो जाएगा 2 और ये लिमिट हो जाएगी 0 to π/2 और फंक्शन रहेगा हमारा एज इट इज log sin x dx। ये हमने इक्वेशन डाल दिया 3। अगेन हम यूज करते हैं प्रॉपर्टी 4 अगेन यूजिंग प्रॉपर्टी P4। तो ये आ जाएगा आपका i = 2 0 to π/2 log sin π/2 माइनस एक्स और ये dx। तो i = आपका हो जाएगा 2 0 to π/2 लिमिट log 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा
तो ये कॉस हो जाएगा, चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है प्लस में ही रहेगा, लॉग कॉस एक्स और डी एक्स, इसे दे दिया हमने क्वेश्चन नंबर 4। जब भी हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो मोस्टली हमें इक्वेशन को ऐड करना होता है, तो फिर से ऐड करते हैं ऑन एडिंग इक्वेशन 3 और 4। तो यहाँ लेते हैं ऑन, जगह की शॉर्टेज है इसलिए थोड़ा काम चलाना होगा, ऑन एडिंग इक्वेशन 3 और 4। 3 और 4 को ऐड करेंगे तो ये फिर से होगा 2i = 0 to π/2। ये थर्ड था, 2 भी कॉमन आ गया, 2i = 0 to π/2, और ये हो जाएगा log sin x ब्रैकेट log sin x प्लस log cos x cos x और ये ब्रैकेट और यहाँ पर आएगा dx। तो 2 से 2 आपका ये फिर कैंसिल हो गया, तो i = आपको मिलेगा लिमिट 0 to π/2। ये है log m प्लस log n, यानी कि log m इंटू n होगा, तो log sin x इंटू cos x। अब यहाँ फिर से फॉर्मूला बनाएंगे, देखो sin 2x होता है 2 sin x cos x, लेकिन यहाँ पर sin x cos x है, तो ये हमने 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया और 2 से कर दिया डिवाइड, और ये यहाँ dx एज इट इज, तो i = हमारा रहेगा 0 to π/2 log sin 2 sin x cos x होता है sin 2x और अपॉन 2 और ये dx। अब log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log m अपॉन n होता है log m माइनस log n, तो i = यहाँ से होगा 0 to π/2 log sin 2x माइनस, इनको अगर हम चाहें तो सेपरेट करके भी लिख लो, dx माइनस ये बन log 2 होगा, तो 0 to π/2 log 2 और dx, ये आ गया आपका 0 to लिमिट थी π/2। थोड़ा सा लेंदी हो रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम इसे देखो फिर से सॉल्व करते हैं, अगर इसे सॉल्व करें तो i = हमने ले लिया, ये तो आया हमारा i1, और इसको सॉल्व किए देते हैं, ये हो जाएगा, ये चलो बाद में ही कर लेना, 0 to π/2, ये i1 है π/2 और log 2 dx, ये log 2 बाहर ले सकते थे। अब i1 को देखो सॉल्व करेंगे तो i1 = है हमारा 0 to π/2 log sin 2x log sin 2x और ये dx, तो यहाँ हम लेट करेंगे 2x = t, लेट t = 2x, तो dt = हो जाएगा 2 dx, या dt/2 = ये dt है, तो dt/2 = हो जाएगा dx, यानी कि dx की जगह आप यूज करोगे dt/2। तो i1 = मैंने कहा जगह की शॉर्टेज है, थोड़ा कोऑपरेट करना, समझते हुए चलना, 0 dt/2 के लिए 1/2 तो यहाँ कर दिया हमने, / 2 आएगा बाहर, और लिमिट ये है 0 to π/2 और log ये आ जाएगा sin t, 2x की जगह t लिया है तो sin t और ये dt। अब लिमिट और चेंज होगी आपकी, तो t when x =
जीरो है तो टी इक्वल टू हो जाएगा आपका जीरो, तो ये लिमिट लोअर तो जीरो ही रहेगी। वेन एक्स इक्वल टू पाई बाई टू है, वेन एक्स इक्वल टू पाई बाई टू तो टी इक्वल टू टू इंटू पाई बाई टू यानी कि पाई हो जाएगा, तो टी इक्वल टू पाई, तो ये लिमिट आपकी चेंज हो जाएगी, यहाँ आपको रखनी है पाई। ये आ गया साइन टी डी टी। अब आप पाई बाई टू तो वन अपॉन टू लॉग साइन टी डी टी। अब आप यहाँ पर देखोगे प्रॉपर्टी थी कि लिमिट जीरो टू ए लॉग साइन ए क्या सॉरी जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो टू ए एफ टी डी टी, यानी कि वेरिएबल चेंज हो सकता है अगर लिमिट चेंज ना हो। तो लॉग साइन एक्स डी एक्स था कहीं पर, ये रहा आपका देखो लॉग साइन एक्स डी एक्स, तो ये आई था हमारा, ये देखो लॉग साइन एक्स डी एक्स की जगह हम यूज कर सकते हैं इसे। तो हम देखते ये लिमिट जीरो टू पाई थी, तो लॉग साइन टी डी टी जीरो टू पाई साइन एक्स डी एक्स कहाँ था, ये रहा देखो जीरो टू पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी बन के अकॉर्डिंग दोनों इक्वल होंगे, लिमिट वही है, वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो यहाँ एक्स था तो यहाँ टी हो गया, ये डी एक्स है तो डी टी। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं आई वन इक्वल टू वन अपॉन टू आई, और यहाँ लिखेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी वन, यूजिंग प्रॉपर्टी वन, प्रॉपर्टी वन का यूज करके हमने आई वन इक्वल टू वन अपॉन टू आई कर लिया इसे। अब हमें इरेज करना होगा आगे सॉल्व करने के लिए, तो हम इरेज कर लेते हैं इसे। तो ये यहाँ तक हमने रीच कर लिया, आगे देखते हैं कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो देखना पड़ेगा। तो हमारा आई वन इक्वल टू आ गया वन अपॉन टू आई, आई वन इक्वल टू वन अपॉन टू आई आ गया। और ये हमने कहाँ से आई ली, और आई हमारा था आई वन, ये हम इसे इक्वेशन नंबर फाइव दिए देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फाइव, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है। फ्रॉम इक्वेशन फाइव, फाइव था हमारा आई इक्वल टू आई वन माइनस जीरो टू पाई बाई टू, और ये है लॉग टू डी एक्स, लॉग टू डी एक्स। तो आई इक्वल टू आई वन है आई अपॉन टू, आई अपॉन टू माइनस लॉग टू को बाहर लेंगे जीरो टू पाई बाई टू, ये हो जाएगा लॉग टू को बाहर लिया एक्स, और लिमिट होगी जीरो टू पाई बाई टू। आई अपॉन टू को लेफ्ट में लाएंगे तो आई माइनस आई अपॉन टू इक्वल टू माइनस लॉग टू, लिमिट पुट करोगे तो पाई बाई टू माइनस जीरो, तो ये आई में से सॉरी आई अपॉन टू गया तो आई अपॉन टू बचेगा माइनस लॉग टू, पाई बाई टू को पहले ले लेते हैं पाई बाई टू लॉग टू, तो टू को भेजेंगे राइट में तो आइया ये समझ लो ये टू से टू कैंसिल, तो आई इक्वल टू आ गया माइनस पाई लॉग टू, और शायद यही होगा आपका आंसर। तो लेंदी भले हो लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो आंसर बिल्कुल राइट आएगा।
थैंक यू नोटेड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ फिर हमें लिमिट 0 to a दी गई, तो जहाँ लिमिट 0 to a रहती है तो हम मोस्टली यूज करते हैं प्रॉपर्टी 4। तो लेते हैं प्रॉपर्टी 4 को बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a fa-x dx। तो i इक्वल टू यहाँ से आएगा आपका ये है इक्वेशन नंबर 1, 0 to a रूट a-x अपॉन रूट a-x प्लस रूट a-x की जगह a- यूज करेंगे तो ये प्लस x हो गया और यहाँ पर आएगा dx। तो i इक्वल टू आपका आएगा लिमिट 0 to a रूट a-x अपॉन रूट a-x और यहाँ से बचेगा प्लस रूट x और ये है dx। इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। एज यूजुअली हम ऐड करते हैं दोनों इक्वेशन को, ऑन और एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे जब हम, तो ये हमारा आ जाएगा 2i इक्वल टू 2i इक्वल टू 0 to a। ये डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आ गया रूट a-x प्लस रूट एक्स और ये आ जाएगा रूट a-x प्लस रूट एक्स और dx। ये दोनों कैंसिल हो गए तो 2i इक्वल टू आ गया रूट 0 to a dx। तो 2i इक्वल टू हो जाएगा x लिमिट 0 to a। तो 2i इक्वल टू हो जाएगा a-0। तो 2i इक्वल टू a या i इक्वल टू आ जाएगा आपका a अपॉन 2। दैट्स योर आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दिया है i इक्वल टू 0 to 4 मॉड x-1 dx। जब मॉड वाले फंक्शन होते हैं तो हमें लिमिट ब्रेक करनी होती है। इसका साइन देखते हैं कि कहाँ से कहाँ प्लस होगा और कहाँ माइनस होगा। तो हम लेते हैं लिमिट के लिए व्हेन x-1 इक्वल टू 0 हो तो x इक्वल टू आएगा 1, 1 पर लिमिट ब्रेक होगी। तो लेते हैं हम इसे i इक्वल टू 0 to 1 x-1 dx और लिमिट 0 to 4 x-1 dx। अब देखेंगे कि साइन क्या होगा। अगर यहाँ पर हम 0 पुट करते हैं तो 0-1 माइनस आएगा, यानी कि इसके लिए तो साइन रहेगा माइनस। और अगर हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो 1-1 हुआ 0, जो पॉजिटिव होता है तो इसके लिए साइन पॉजिटिव ही रहेगा। तो एक बार फिर से हम नोट करते हैं इसे -0 to 1 x-1 dx प्लस 1 to 4 x-1 dx। अब प्रॉपर्टी यूज करेंगे 4, या प्रॉपर्टी यूज करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो पॉलिनोमियल है, लीनियर इक्वेशन हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इंटीग्रेशन। तो लेते हैं i इक्वल टू -0 to 1 ये होगा x² / 2 और ये होगा माइनस का x प्लस 1 to 4 ये होगा x² / 2 और ये होगा माइनस का x। लिमिट पुट
ये इंटीग्रेट कर चुके हैं तो अब ये यहाँ नहीं आएगा, ये 1 to 4, और ये भी लिमिट यहाँ नहीं आएगी, इंटीग्रेशन हो चुका है, तो 0 to 1, तो आई इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, अपर लिमिट यूज करेंगे तो 1 अपॉन 2 माइनस 1, और लोअर लिमिट यूज करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, प्लस अपर लिमिट यूज करेंगे तो 16 अपॉन 2 माइनस 4, और लोअर लिमिट यूज करेंगे तो माइनस होगा, यानी कि -1/2, और ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, तो आई इक्वल टू साइन चेंज होंगे, माइनस है तो -1/2 + 1, ये हो गए 8, 8 में से 4 गया 4, 4 + 1 = 5, 8 और ये 1, 8 और 1 9 में से 4 गया 5 + 5 - 1/2, तो ये हो जाएंगे 1/2 से 1/2 कैंसिल, और I = 1 और 1 कैंसिल, तो I = 5, आपका यही होगा आंसर। थैंक यू।